सुंदरी एक राजा की बेटी थी। वह थी तो राजकुमारी, पर एक किसान बनना चाहती थी। यह बात उनके पिता राजा को पसंद नहीं थी। जब सुंदरी बड़ी हुई तो उसके पिता राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से बाहर रहोगी तो जीवन की कठिनाइयों को पहचान पाओगी, तभी तुम्हें होश आएगा। सुंदरी ने बचपन से बहुत से बीज जमा किए थे, तो उन्हें लेकर वह महल से बाहर चली गई। दूर किसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। आसपास की जमीन पर उसने बीज बो दिए। सुंदरी कड़ी मेहनत करने लगी। इसमें बिल्ली, तोता और मकड़ी उसकी मदद करते थे। बिल्ली खेती का ध्यान रखती थी, मकड़ी झोपड़ी का ध्यान रखती थी और तोता सुंदरी को राज्य भर के सभी समाचार सुनाता था। वे सब मिलजुल कर रहते थे। सुंदरी के सुंदर हरे भरे खेतों का जब राजा को पता चला तो वह राजा इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने इंद्र देवता से सुंदरी को सबक सिखाने की मदद मांगी। मैं धरती पर सूखा भेजूंगा, सुंदरी के खेत भी सूख जाएंगे। तोता उनकी सारी बातें सुन लेता है और सारी बात सुंदरी को जाकर बता देता है। सुंदरी ने फैसला किया कि वे नदी किनारे अपना खेत लगाएगी। सूखा तो पड़ा मगर सुंदरी की फसल हरी भरी ही रही। इसकी फसल को नष्ट करने के लिए मैं धरती पर बाढ़ भेजूंगा। सुंदरी की सारी फसल बह जाएगी तो उसे अक्ल आ जाएगी। इस बार भी तोते ने सारी बात सुंदरी को बता दी। इस बार सुंदरी अपनी फसल पहाड़ी की ढलान पर लगाती है, फिर से पूरे राज्य की फसल बर्बाद हो जाती है, परंतु सुंदरी की फसल लहलहाती रहती है। अब की बार मैं सैकड़ों चूहे भेजूंगा। इस बार भी वफादार तोते ने सारी बात बिल्ली को बताई। अरे वाह, मैं अपनी सभी सखियों को चूहों को खाने के लिए बुला लेती हूँ। अरे बहुत मजा आएगा। जल्दी ही बिल्लियाँ सभी चूहों को खा गई। इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए। अब मैं चिड़ियाँ भेजूंगा, चिड़ियाँ सारी फसल को नष्ट कर देंगी। इस बार मकड़ी वो उसके दोस्तों ने फसल पर जाल बुन दिए। चिड़ियाँ जब फसल खाने पहुँची तो जालों में फंस गई। सुंदरी की फसल फिर से बच गई, परंतु राजा की मुसीबत बढ़ गई। सूखे व बाढ़ के कारण राज्य का बहुत नुकसान हो गया। राजा परेशान होकर फिर से इंद्रदेव के पास मदद के लिए पहुँचे। मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी पुत्री तो तुम्हारे राज्य में अनाज बांट रही है। इंद्रदेव व राजा जब जंगल में पहुँचे तो देखा कि सुंदरी व उसके दोस्त लोगों में अनाज बांट रहे हैं। राजा यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस किया। इंद्रदेव ने भी सुंदरी की तारीफ की। राजा ने अपनी बेटी से महल में लौट आने को कहा। सुंदरी ने मना कर दिया और वह अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी फिर से जंगल में वापस लौट गई। उसने अपने पिता को माफ कर दिया। वह किसान राजकुमारी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई।